A very good morning, dear aspirants. Byju's के government exams prep channel में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे this day in history segment की, जहां हम लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास facts और घटनाएं, जो आपकी इन सभी आगामी government परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद important है। Along with this video के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद important practice questions भी, which will be based on all the facts that we discussed today. आप अवश्य ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इन्हें हमारे साथ comment section में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके निरंतर अभ्यास से भी आपको इन सभी exams में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए friends, अब शुरू करते हैं 8 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी important historical facts की। The very first fact here is associated with 1857, जब Indian freedom fighter मंगल पांडे passed away, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का निधन हुआ था। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश में स्थित नागवा नामक एक गांव में हुआ था। He had joined the Bengal army in 1849. In March 1857, he was a soldier or sepoy in the 5th company of the 34th Bengal Native Infantry. Mangal Pandey was an Indian soldier who played a key part in the events immediately preceding the outbreak of Indian Rebellion of 1857. इनकी बगावत डायरेक्टली 1857 के विद्रोह का कारण नहीं बनी, परंतु इसने भारतीय सिपाहियों में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्से और हताशा की भावनाओं को और तीव्र बना दिया। भारतीय सिपाहियों में ऑलरेडी ब्रिटिश के खिलाफ एनफील्ड P-53 राइफल के इस्तेमाल को लेके प्रतिशोध था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इन राइफल्स में काऊ और पिग के फैट से बना हुआ ग्रीस है। इस बात से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों में हलचल मची हुई थी। सिपाही इस बात से भी डरते थे कि कहीं उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना कर दिया जाए, और इसके साथ द यूज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी बाय द गवर्नर जनरल डलहौजी हैड क्रिएटेड अ ह्यूज डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस। 29-year-old Mangal Pandey, a native of Baliha district in modern-day Uttar Pradesh, had joined the rising protest against the British. जब उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को बगावत करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो सर्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन ने भारतीय ऑफिसर ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने को कहा, परंतु जब ईश्वरी प्रसाद द्वारा इस कार्य के लिए इनकार कर दिया गया, लड़ाई और भी ज्यादा आगे बढ़ गई। लेटर मंगल पांडे मेड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन सर्जेंट मेजर्स एडजुटेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बर्ग्स लाइफ। दिस इज रिफर्ड टू एज द फर्स्ट गन फायर्ड ऑन एन इंग्लिश मैन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 1857 रिबेलियन। खास बात यह थी कि उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ इस चल रहे झगड़े में ज्यादातर भारतीय सिपाहियों ने उनका ही साथ दिया, परंतु बाद में कमांडिंग ऑफिसर जनरल हियरसे ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें मृत्यु की सजा दे दी गई। मंगल पांडेज एक्ट ऑफ रिबेलियन वाज वन ऑफ द मेजर प्रीसीडिंग एक्ट्स बिफोर 1857 रिवोल्ट, और इसी कारण इनको कहा जाता है एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द 1857 रिबेलियन इन इंडिया। और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है। ये संबंधित है 1894 से, व्हेन फेमस राइटर एंड पोएट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी पास्ड अवे, अर्थात प्रसिद्ध लेखक और कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। यह एक भारतीय उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे, जिनका संबंध कलकत्ता से समीप एक गांव नए हाथी से था। He was one of the first graduates of Calcutta University. From 1858 until his retirement in 1891, he served as a deputy magistrate in the Indian Civil Service.
इनके शुरुआती प्रकाशन ईश्वर चंद्र गुप्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संघवाद प्रभाकर नाम के एक पब्लिकेशन में हुए थे। वर्ष 1858 में उन्होंने ललिता ओ मानस नामक कविताओं की एक कंपाइलेशन भी प्रकाशित करवाई थी। His first fiction to appear in print was the English novel Rajmohan's Wife. उनके कुछ प्रसिद्ध वर्क्स हैं जैसे कि राजसिम्हा, आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी। He was also the composer of Vande Mataram, originally in Sanskrit, which personified India as mother goddess and inspired activists during the Indian independence movement. और इसी कारण यह गीत भारत का राष्ट्रगीत भी है। He is known as Sahitya Samrat, the emperor of literature in Bengali. ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपेनियन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया था इन 1894 एंड ही हैड आल्सो रिसीव्ड द टाइटल ऑफ राय बहादुर इन 1891। और अब आइए चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है संबंधित 1938 से व्हेन कोफी आनन नोबेल पीस प्राइस लोरेट वॉज बोर्न, अर्थात नोबेल पुरस्कार विजेता कोफी आनन का जन्म आज ही के दिन 1938 में हुआ था। कोफी आनन एक घाना देश से संबंधित राजनायक थे। In 1980, he became the head of the personnel for Office of the UN High Commission for Refugees, अर्थात UNHCR, in Geneva. इनको नियुक्त किया गया as the 7th Secretary General of the United Nations in 1996 by the Security Council and later confirmed by the General Assembly. This made him the first office holder to be elected from the UN staff itself. He was re-elected for a second term in 2001. इनके बाद Secretary General का पद संभाला था बान की मून ने on 1st January 2007, or as a Secretary General, Kofi Annan reformed the UN bureaucracy, worked to combat HIV/AIDS, especially in Africa, and launched the UN Global Compact. After the end of his term as the UN Secretary General, he founded the Kofi Annan Foundation in 2007 to work on international development. इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें बेहद प्रसिद्ध हैं, तो इनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि वी द पीपल्स, अ यूएन फॉर द 21st सेंचुरी, कन्फ्रंटिंग एंटी सेमिटिज्म, पैंडेमिक फेसिंग एड्स। यहां ये बात भी अवश्य याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 2001 में कोफी आनन को संयुक्त राष्ट्र के साथ नोबेल पीस प्राइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है संबंधित 1950 से, व्हेन द लियाकत नेहरू पैक्ट और दिल्ली पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अर्थात इन दोनों देशों के बीच लियाकत नेहरू समझौता, जिसको कि दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। लियाकत नेहरू पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय संधि थी, जहां रेफ्यूजीज को अपनी संपत्ति बेचने के लिए वापस जाने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा विमेन हु वर अबडक्टेड और लूटी गई संपत्ति को भी वापस लौटाने का अग्रीमेंट हुआ था। फोर्स्ड कन्वर्जन्स वर अनरिकॉग्नाइज्ड और अल्पसंख्यक अधिकारों की पुष्टि करी गई थी। In spite of the opposition from his colleague Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India, had concluded this pact with Liaquat Ali Khan, who was at that time the Prime Minister of Pakistan. Is treaty ko outcome mana gaya 6 din ki baatcheet ka, which sought to guarantee the rights of minorities in both the countries after the partition of India in 1947. And to avert another war between the two countries. दोनों देशों में minority commission गठित किए गए। More than 1 million refugees migrated from East Pakistan, which is now Bangladesh, into West Bengal in India.
और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल है, हु इज ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, अर्थात किसको 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। ऑप्शंस है ए नाना साहिब, बी मंगल पांडे, सी तात्या टोपे या डी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड कंपोज्ड वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने करी थी। ऑप्शंस में कुछ नाम है, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर डी श्री अरबिंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When did the United Nations receive the Nobel Peace Prize? अर्थात संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शंस है ए 2006, बी 2001, सी 2000 या फिर डी 2002। और अगला सवाल है, Who is the author of the famous book Pandemic Facing AIDS? अर्थात Pandemic Facing AIDS नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए बान की मून, बी कोफी आनन, सी नेल्सन मंडेला या डी यूथांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड बिकम द सेवेंथ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1996, अर्थात वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र के सातवें महासचिव का पद किसने संभाला था। ऑप्शंस हैं ए बान की मून, बी यूथांट, सी कोफी आनन या डी एंटोनियो यूटेरस। और अगला सवाल है, When was the लियाकत नेहरू पैक्ट साइंड, अर्थात लियाकत नेहरू पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ऑप्शंस है ए 1950 में, बी 1955 में, सी 1951 में या डी 1952 में। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद आवश्यक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर हमारे साथ निरंतर कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। विथ दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Have a great day ahead and stay safe.